केंद्र में भाजपा के 9 वर्ष पूर्ण होने पर देश की जनता को अपनी उपलब्धि बताने विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग में आयोजित होने जा रही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के बारे में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, दुर्ग संभाग भूपेंद्र सवन्नी ने पत्रकार वार्ता लेकर चर्चा की। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसका जश्न बीजेपी पूरे देश में मना रही है। बीजेपी की तरफ से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। महाजनसंपर्क अभियान चलाकर हर घर तक भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना भी साधा जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में भी आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह, जो आगामी 22 जून को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में विशाल जनसभा में लोगों को संबोधित करेंगे। भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, दुर्ग संभाग प्रभारी एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी और जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा की मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूर्ण होने पर देश भर में चलाए जा रहे अभियान को लेकर मीडिया से चर्चा की और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर सारे कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से संपादित कर रहे हैं और अभी जो दुर्ग की हमारी आम सभा भी है, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और पूरी ताकत के साथ सारे वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ा उदाहरण है। 80 करोड़ परिवार को निःशुल्क राशन देना सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने एक बड़ा काम अपने हाथ में लिया और उसका परिणाम ये दिखता है कि ठीक है 100% सफलता नहीं होती, पर 80 और 90% तक उसमें सफलता हुई और धीरे से जागरूकता के साथ वो काम संपन्न हुआ। और प्रधानमंत्री आवास के लिए केंद्र सरकार राशि उपलब्ध कराती है, निर्माण कराना उसका आवंटन कराना प्रदेश सरकार का, और अगर कंडम पड़ा है कोई अव्यवस्था है तो उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। 22 जून को होने वाली जनसभा में लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखते हुए कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। साथ ही इसके अलावा प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन किए जाने की जानकारी भी दी जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के हर घर तक मोदी सरकार की उपलब्धि और कांग्रेस सरकार की नाकामी गिनाएं। देश के यशस्वी गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी दुर्ग में महाजनसंपर्क अभियान के तहत दुर्ग संभाग के आम लोगों को संबोधित करने आ रहे हैं। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत 2014 से 2023 तक केंद्र सरकार ने जो करोड़ों लोगों को अपनी योजनाओं से लाभ पहुंचाया, ऐसे लाभार्थियों सहित आम जनता को संदेश देने के लिए सुबह 11:30 बजे दुर्ग स्टेडियम में आ रहे हैं। सारे संभाग के आम जनता से निवेदन है कि वे इस आम सभा में उपस्थित हों। उसके लिए पूरे लगभग 20 विधानसभा हमारे आते हैं, उसमें सारे स्तर के विधानसभा स्तर की बैठकें हो गई, मंडल स्तर की बैठकें, मोर्चों की बैठकें और सारे बैठकों के जो दूर से हैं वो कार्यकर्ता अपने अपने साधन से यहाँ आएंगे, नज़दीक वाले पैदल से लेकर के दोपहिया वाहन से और सब आएंगे और अंतिम जो है 19-20 तारीख तक इसका फाइनल चेकआउट और जो टाइम टू टाइम प्रोग्राम है वो सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा। 2019 में कैसे आ गए, 14 में दुरुपयोग किया और 19 में क्यों आ गए। 19 में तो मुख्यमंत्री जी बनने के बाद अपनी विधानसभा 23,000 से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, दूसरों की क्या बात करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।